नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीपी न्यूज से। मैं हूं आपके साथ, आपका अपना साथी। और इस समय हम नगीना बढ़ापुर रोड पर इस समय मौजूद हैं और यहां पर कोई सड़क दुर्घटना हुई है। आइए जानते हैं यहां पर क्या और कैसे हुआ। सामने हॉस्पिटल है, उसमें ले जाओ। क्या हुआ, इसको ज़्यादा चोट लगी? ये कहाँ के रहने वाले हैं? बघाले के लिए खड़ी थी। तो बाइक से बाइक टकराई है, क्या हुआ है? लड़की साइकिल से आ गई। आके साइकिल से? और किधर से आ रही है? पड़का आ रही। तो ये तो स्कूल वाली लड़की है ना? स्कूल वाली लड़की है ना? अरे पटना कोर्ट में भी बहुत सारा। देखिए, यहाँ पर एक छात्रा को चोट लगी है जो शायद स्कूल से आ रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राहगीरों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जानते हैं बच्चों से जो आसपास बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं। ये आपके साथ हुआ है एक्सीडेंट? पता ना, किसी का पता ही नहीं किसने मारी है। आप ही के साथ एक्सीडेंट हुआ है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? तो आप इधर से आ रहे थे साइकिल से? अच्छा, तो थोड़ा संभल कर चलेंगे तो हादसा होने से ही बच जाएगा। यदि बाइक और थोड़ी ज़्यादा तेज होती तो शायद छात्रा के भी ज़्यादा चोट लग सकती थी और बाइक सवार के साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अरे यार जाओ, कौन चक्कर आने लगा था। मैं हुआ था। कौन सी गांव की है लड़की? ननपुर की। ननपुर की? आप लोग तो कह रहे हो चोट ज्यादा मोटर हमें क्या पता।
अरे भैया एक काम करो, तुम घर लेके आओ, आप बोल रहे हो हमारा आप सभी से निवेदन है, वाहन को नियमित स्पीड में ही चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। बाइक सवार यदि हेलमेट लगाए होता तो शायद बाइक सवार को इतनी चोट नहीं लगती। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल DVP न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले DVP न्यूज को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी न भूलें। नमस्कार।